महात्मा ज्योतिबा फुले भारत के महान व्यक्तियों में से थे एक। वीरेंद्र सिंह सैनी, भीष्म सिंह अमरोहा नौगावा सादात के मोहल्ला अलीनगर में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महासंपर्क अभियान जिला संयोजक नौगावा सादात नगर पंचायत के नामित सभासद व पूर्व जिला मंत्री वीरेंद्र सिंह सैनी के कैंप कार्यालय पर महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको शत शत नमन करते हुए वीरेंद्र सिंह सैनी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा राव फुले एक समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक, विचारक, क्रांतिकारी के साथ अन्य प्रतिभाओं के धनी थे। ज्योतिराव गोविंद राव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को तत्कालिक ब्रिटिश भारत के खानवाड़ी पुणे में हुआ था। इनकी माता का नाम चिमनाबाई और पिता का नाम गोविंद राव था। इनकी मात्र एक वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। इसके बाद इनके पालन पोषण के लिए सगुनाबाई नामक एक दाई को लगाया गया था। इन्हें महात्मा फुले और ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। इन्होंने प्रारंभिक में मराठी भाषा की शिक्षा प्राप्त की, परंतु बाद में जाति भेदभाव के कारण इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में मात्र 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले से हुआ। बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध स्वयंसेवी महिला के रूप में सामने आए। स्त्री शिक्षा और दलितों की शिक्षा का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर कार्य किया और अनेकों महान कार्य किए। इनकी मृत्यु 18 नवंबर 1890 को 63 वर्ष की अवस्था में पुणे महाराष्ट्र में हो गई। इस अवसर पर नरेंद्र सैनी, पवन सैनी, अंकुर चौहान, रवि सैनी, देवीश सैनी, महेंद्र सैनी, मोनू सैनी, गुड्डू सैनी, सुनील कुमार सैनी, मयंक सैनी व नृपेंद्र सैनी आदि मौजूद रहे।